अखंड भारत के जवाब में ग्रेटर नेपाल का नक्शा आया सामने, जिसे देखकर भारतीय मीडिया में खलबली मच गई है। दरअसल कुछ दिन पहले भारत के नए संसद भवन में अखंड भारत का नक्शा रखा गया था, जिसके कारण भारत के सभी पड़ोसी देशों ने जमकर विरोध किया था। चौतरफी विरोध के बाद में भारत के द्वारा यह कहा गया कि यह नक्शा कोई ऑफिशियल नक्शा नहीं है, बल्कि सम्राट अशोक की मौर्य एम्पायर की है, जो भारत का एक इतिहास है। पड़ोसियों को इसे लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर नेपाल के तरफ से जैसे को तैसा ही जवाब आया है। दरअसल नेपाल के काठमांडू महानगर के मेयर है बालेन शाह, जिन्होंने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाकर भारत को उसी के भाषा में जवाब दिया है, जिसको लेकर भारतीय मीडिया में अफरा तफरी मचा हुआ है। यह गोदी मीडिया का दोपना नहीं तो क्या है। जब अखंड भारत का नक्शा रखा गया था भारतीय संसद भवन में, तो बहुत उछल उछल के बोल रहे थे कि अखंड भारत भारत का इतिहास है, जिससे पड़ोसियों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आखिर ग्रेटर नेपाल भी तो नेपाल का इतिहास है, जो सन 1816 में सुगौली संधि के बाद नेपाल का आधा से ज़्यादा हिस्सा भारत में विलय कर दिया गया था। अभी तक नेपाल के किसी नेता के पक्ष में इतना दम नहीं था जो ग्रेटर नेपाल के बारे में बात करे, लेकिन बालेन शाह की हिम्मत और साहस का तारीफ करना पड़ेगा कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। मुझे भी कई लोग समझेंगे कि मैं नेपाल का तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे व्यूज चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मीडिया को अपना कायदा बता रहा हूँ। मीडिया को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। जिस तरह से भारत के संसद में लगी अखंड भारत के नक्शे का स्वागत किया गया, मुझे लगता है नेपाल के इस ऐतिहासिक नक्शे को भी ठीक उसी तरह से स्वागत करना चाहिए, तभी दोनों देशों का संबंध सुधरेगा। हमारा चैनल ग्रेटर नेपाल के इस ऐतिहासिक नक्शे का स्वागत करता है। इसी के साथ साथ बालेन शाह की इस कार्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि देश के आकार छोटे बड़े होने से फर्क नहीं पड़ता है, देश प्रति का प्रेम सद्भाव सभी का उतना ही होता है। आपका क्या राय है मेयर बालेन शाह के इस कार्य को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। नेपाल से जुड़ी तमाम खबरें हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।